एक रोशनी की तरह इन चीज एक बस एक आंख झपकी और यूं सामने आई। ओके था तो बच्चा लेकिन एक ही आंख थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। मेरे साथ का एक बात वाकया बताता हूँ। मैं कराची में अपने फ्लैट पर अभी कुछ दिन पहले का वाकया बता रहा हूँ, इसी वीक का। लाउंज की लाइट ऑन करके और अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वो ज़ीरो वाला बल्ब जो है ना वो कमरे में जलाता था, एलईडी वाला, वो नहीं जलाता कि मुझे चीज़ें फिर इधर उधर घूमती फिरती नज़र आती है तो अंधेरा होगा तो अच्छा है मेरे लिए। लेकिन वो दरवाजे के नीचे कितना सा गैप होता है ना, तो वहाँ से मुझे ऐसे लगा कि कोई झांक रहा है, क्योंकि बाहर लाउंज की लाइट तो जल रही थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई झांक रहा है। मतलब दरवाजे की वो जो किनारी होती हाँ, है वो नीचे जो इतना स्पेस होता है ना, हाँ ऐसे कोई झांक रहा है। अच्छा, और झांकने वाला कोई बच्चा है। ओके मैंने उसको इसलिए फील किया कि मेरी नज़र, जाहिर सी बात है जब वो आप लेटे हुए होते हो तो इधर उधर जाती है तो दरवाजे के नीचे नज़र गई और वहाँ से रोशनी आ रही होती है, तो मैंने देखा कि एक आंख ऐसे करके मुझे देख रही है। थी बच्चे की छोटी सी आंख थी, और क्योंकि पता चल जाता है कौन देख रहा है उस हिसाब से, और छोटे हाथ थे जो दरवाजे के पास ऐसे मुझे ऐसे कर रहे थे नज़र आ रही। मैंने कहा या अल्लाह खैर, अब ये कौन सी नई मुसीबत मेरे गले लगने वाली है। बच्चे तो वैसे ही तेरे पास हाँ वहाँ तो आते रहते हैं, उनका मैंने अलग बंदोबस्त कर लिया, उनके लिए मैं मीठा चॉकलेट रखता रहता हूँ, बाहर मिठाई जो भी होता है वो रख देता हूँ। मैं उठा, मैंने जाके दरवाज़ा खोला, मेरी हालत टाइट थी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो उस वक्त मुझे दरवाजे के बाहर कोई नज़र नहीं आया। ओके लेकिन मेरे किचन के कैबिनेट से टक 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 की आवाज़ें आ रही थी कि जैसे चूहा या कोई ऐसी चीज़ मारती है ना, कि अक्सर किचन से आवाज़ें आती हैं इस तरह की। तो मैंने कहा यार कोई चीज़ होगी, अब थर्ड फ्लोर पे चूहा तो नहीं आ सकता, मुझे नहीं पता बात, लेकिन मैंने आज तक वहाँ पे देखा नहीं है। चलो आ गया फिर। बहरहाल मैं वापस जाके कमरे में अपने लेट गया। नजर मेरी वहीं पर थी क्योंकि एक चीज मैं देख चुका था। थोड़ी देर के बाद दोबारा मुझे लगा कि कोई देख रहा है मुझे उसी जगह से, वही चीज, वही आंख, वही आंख, उसी तरीके से। अब मैंने उसको आवाज लगाई, मैंने कहा यार सामने आ जाओ जो भी हो, डर तो लग रहा था लेकिन अब वो इतना वो बंदा यूज टू हो जाता है ना तो थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत भी आ जाती है। तो मैंने बोला यार अब ये सारी रात अगर ये छुपम छुपाई खेलेगा तो इससे बेहतर ये सामने ही आ जाए, जो भी मसला है पता चल जाएगा। सामने आ गया भाई। आ गया। हाँ आया कैसे, उसी पट्टी में से निकल के आया। मतलब यूं स्टिकर होके निकला या कोई और जानवर की शक्ल लेके निकला? कुछ नहीं, उस पट्टी में से ऐसा लगा कि यूं एक रोशनी की तरह यूं चीज एक बस एक आंख झपकी और यूं सामने आई। ओके था तो बच्चा लेकिन एक ही आंख थी। नहीं कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आंख थी। मतलब एक साइड पर ही एक आंख थी? अबे साइड या चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक आंख थी। लाइक ना नाक था ना मुंह, जिस तरह से वो उसका मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरह की आंख होती है और दांत होते हैं, होंठ नहीं होते, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वो एक 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 शेप था और उसकी एक आंख थी बस। नहीं पर वो शेप के बीच में आंख थी, साइड पर थी, लेफ्ट साइड पर एक आंख थी। ना नाक ना मुंह कुछ कुछ नहीं था, लेकिन इतनी सी इतना सा था, इतना सा। जब मैंने उसको देखा तो
उसकी वो जो आग थी ना एक, उससे खून बहना शुरू हो गया उसी एक आँख से। एक आँख से उसने अपना वो खून, उसके हाथ में, आपको बताता हूँ, उसके हाथ में सिर्फ एक उंगली इस तरह से थी और दो उंगलियाँ टेढ़ी थी, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, टोटल तीन उंगलियाँ थी इस तरह से, लेकिन छोटी छोटी सी, मतलब ये दो उंगली आज़ाद थी ये भी, हाँ एक उंगली थी, फिर ये उंगली नहीं थी, अच्छा फिर ये दो उंगलियाँ थी, लेकिन ये ऐसे थी ऐसे, ठीक हो गया थी? चलो उसने उस वो जो खून आँख से निकला यूँ निकाल के और अपने चेहरे पे एक नक्श बनाया, जो कि नक्श मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा उसने वो नक्श क्या बनाया था, कुछ अजीब ही नक्श था वो, जैसे कोई झाड़ियाँ हो या बुशेज होती हैं, जिस तरह से मतलब उसने यूं यूं करके बनाया, तो वो मुझे तो झाड़ियाँ ही लगी, कांटेदार झाड़ियाँ जिस तरह से होती हैं, ठीक है। अब बता दूं क्या था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था वो क्या चीज थी। उसने वो झाड़ियां बनाई अपने चेहरे पे और मैं पूरी तरीके से सकते में था, वो पलक झपकते मेरी तरफ आया और गैलरी से वो चीज निकल गई। उसने मुझसे और कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, आया और निकल गई, मुझे पता चल गया कि ये क्या था क्या नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वो डिस्कस करूं या नहीं करूं। हमारे एक ब्लॉग में इतने कमेंट्स आए कि एक छोटा सा बच्चे की तरह का ट्रायंगुलर शेप सफ़ेद शक्ल का दरवाज़ा खोल के देख रहा है। यही जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। वो निशानी आपके पास उधर पहुंची, फिर वो गायब हो गई। ये जो तुमने मुझसे अभी बात की, मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं मुझे याद नहीं था कि वो चीज़ क्या है, लेकिन मुझे पता नहीं वो मेरे दिमाग में कैसे बात आ गई। नहीं, वो क्लिक हुई ना, मतलब कड़ी से कड़ी मिली। अभी आप यहाँ बैठे हो तो जो लोगों ने कमेंट्स करके बताए थे पिछले हमारे जो व्लॉग था एक में, कि भाई दरवाज़ा जब खुला था तो उन्होंने इसी तरीके की छोटी चीज़ देखी, छोटा बच्चा देखा है, वो ही था। ओके, और उसने फिर कोई निशानी दी? नहीं, कुछ कहा? वो तो मैंने तो देखा था ना, उस व्लॉग में सिर्फ एक बच्चा नहीं था, अगर शायद किसी और ने देखा है तो उसमें हमारी एक दोस्त भी थी। वो यहाँ पे आई थी? क्या मजा रहा यार, कंफ्यूज कर रहा है। यहीं की थी, हमारी दोस्ती थी, हम तो उसको दोस्ती बोलते हैं यार, उसके साथ हमारी दोस्ती है। यार तू आजकल वो नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, हाँ बस बना दो, पता नहीं चलता है कि इसका मकसद क्या है। नहीं, मकसद नहीं, देखो कुछ चीजें तो बता यार, कुछ चीजें मिस्टीरियस होती हैं। अगर तू मुझे खुली इजाजत दे तो मैं खुल के बताऊं। भाई मैं खुल के बता रहा हूं, इस कमरे में एक बुजुर्ग एक औरत है, बात खत्म हो गई। वो औरत उस दिन यहां पर थी जो यहां पे चल रही थी, अब ये खुल के बता रहा हूं, और जो घूम रही थी यहां, अब जिसने देखा था उसने देख लिया था, वो मुझे पता है किसने देखा था, मुझे ये भी पता है किसने देखा था। बस कर देख, अब तू मुझसे बोलेगा खुल के बता? नहीं, बात सुन, अभी तूने बात की ना, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने एकदम से एक नॉक सुना है, बूम, इस तरह का मैंने नॉक सुना है और इसी दरवाजे में सुना है, तो प्लीज़ नहीं कर। देख, ये हम एंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि किसी को भी कोई तकलीफ। मैं किसी को तकलीफ तो दे ही नहीं रहा, तुमने सवाल किया मैंने जवाब दिया। अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ में मांगे,
ठीक है, यहाँ पर जो मखलूक है ना हम उनको छेड़ रहे हैं ना वो हमें छेड़ेंगे, ये हमारा उनके साथ एक ज़बान तय हो चुकी है, और ये ज़बान एक वो चीज़ है जो आपको अर्श पे बिठाए या फर्श पे बिठाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आगे मतलब कुछ बताना है, लाइट नहीं है, डॉक्टर साहब को गर्मी लग गई है इसलिए डॉक्टर साहब ने भी सारे राज फाड़ देने थे। तो ये है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर हम आपसे यहाँ पर हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त, और मेरी तरफ से तो सिया बाबाए और टाटा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और आप कुछ मैसेज देना चाहें डॉक्टर साहब? दिल नहीं दुखाए किसी का, मैंने बहुतों का दुखाया और उन सबसे माजरा। तूने तो बहुतों का दुखाया, इसलिए कह रहा हूँ उन सबसे माजरा। तूने तो बहुत मतलब यहाँ पे बैठ के घिसाएगा ना अपनी तब भी जो है ना, मैंने बहुत सारा दिल दुखाया है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उन सबसे माजरत करता हूँ। अब वो अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, सब बता दूँ मैं बताऊँ कि मैं ओके अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।